ए टू जेड ईडी का जो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री कर दिया गया है आपके लिए इस सेशन का इस पूरे सीरीज का सेकेंड सेशन है कल हम लोगों ने फर्स्ट सेशन इसका किया था वन से फिफ्टी दम लोगों ने किया थे आज हम लोग करने वाले हैं फिफ्टी वन से और यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है हम इसको एम फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं एम फॉर्मेट में क्यों नहीं कर रहे है? क्योंकि एम फॉर्मेट में होता है क्वेश्चन और जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है जो आता है काफी हद तक आने वाले होते हैं एग्जाम में रिपीट होते हैं तो काफी हद तक आने वाले होते हैं तो आपको लगता है चलो ये आता है इतने मार्क्स आ गए फिफ्टी में से मान लो आपके फोर्टी वन फोर्टी टू ऐसे आगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यार बिना पढ़े इतने आ गए तो वो बचे हुए वो या एट जो भी रहते हैं वो हर बार रह जाते हैं इसीलिए हमने इस फॉर्मेट को यहाँ पर लिया है कि हम लाइन से कर रहे हैं ए से लेके जेड तक जाना है लाइन से कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो कि भाई ये आता है और ये नहीं आता है आपके सामने है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप स्टेटस पे दोनों मिलेगा तो आप ना पीडीएफ मिलता है उस पीडीएफ पे बस टिक मार्क कर लो ठीक है आप कहोगे हम आपको बाद में एट एट द एंड जब भी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी प्रिंटेबल पीडीएफ में आपको दे दूंगी तो उस प्रिंटेबल में भी आप मार्क करते जाओ होते जाए मार्क करते जाओ होते जाए मार्क करते हुए जाओ ठीक है तो वो आप, हाँ, आपका रेडी हो जाएगा ये प्रीवियस ईयर 2011 से आज तक जितने पूछे गए हैं वो सारे इसमें है टू वाला जो इडियम है ना वो भी इसमें है पर टू वाला मैंने बिल्कुल अलग से आपको करवाऊंगी वो सैटरडे को होगा इसी सैटरडे को ट्वेंटी थ्री वाला ईडीएम हम लोग सारा करेंगे जनवरी से लेके नवंबर तक जितने भी एग्जाम हुए दिसंबर में कुछ एग्जाम नहीं हुआ तो वो सारा वहां पर हो करेंगे ठीक है अभी हम लोग इसी ईडियम की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है मेरा प्लान है कि मैं साथ में वन वर्ड की सीरीज भी करूं पर वन वर्ड ए से जेड तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं एक वीडियो है मेरा प्लीज देख लीजिए है ना? उसको अगर आप करेंगे तो वन वर्ड आपके पूरे हो जाएंगे तो वन वर्ड हुआ हुआ है इडियम्स हम लोग कर रहे हैं ये सारी जब सीरीज पूरी हो जाएगी इसको क्लब कर दूंगी एक ही सीरीज भी बन जाएगी पूरा पढ़ लीजिएगा ठीक है हाँ अच्छा फिफ्टी ही करें और सब्जेक्ट्स भी होते हैं ठीक है फिफ्टी भी बहुत है है ना रोज के फिफ्टी कर ले तो एक रिविजन पैटर्न पे आपका काम हो जाएगा ओके चलो शुरू करें आइए शुरू करते हैं फिफ्टी वन है कल जिसने भी क्लास में पढ़ा था एक सुनोनी मीडियम इसका आया था जल्दी से लिख के बताओ कौन सा होता है इसका सुनौनी मीडियम कौन सा होता है सुनोनियम भी होगा अभी मैं सोच रही हूँ करवाऊंगी पर अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया तो हम ऐसा कर लेंगे दो दिन इडियम दो दिन सुनोनिम दो दिन एंटनिम ऐसा कर सकते हैं ना चलिए अयरस ब्रेथ हेयर ब्रेथ क्या होता है अक्लोज शेप बिल्कुल सही अक्लोज शेप इसका एक इडियम है और क्लोज शेप आ चुका है कल ही आ गया था क्लोज शेव होना अब ब्रेथ होना उफ, होना स्किन ऑफ योर टीथ इसका मतलब बाल बाल बचना होता है ठीक है तो बाल बाल बचना ये रहा इसकी प्लेलिस्ट भी है प्लेलिस्ट में जाके आप सारे देख सकते हो हार्ड नट टू क्रैक हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व हार्ड नट क्या होता है अखरोट होता है ना अखरोट अखरोट को हार्ड नट कहा जाता है ये जो टूटता नहीं आराम से हार्ड नट क्या होता है जो हार्ड है नट यानी वो Uh, काजू बादाम किशमिश में भी नट होता है तो वो हार्ड नट है जिसको आराम से तोड़ नहीं सकते दांत से या दरवाजे के बगल से उससे तोड़ा जाता है तो हार्ड नट टू तो क्रैक डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व कोई प्रॉब्लम हो वो डिफिकल्ट हो कोई पर्सन हो जिसको पटाना मनाना बहुत डिफिकल्ट है तो इज अ हार्ड नट टू तो क्रैक ये मान जाए तो बाकी सारे तो मन मनाए तो मुश्किल समस्या या मुश्किल व्यक्ति जिसको सॉल्व जिसको मतलब पटाया नहीं जा सकता अगर पर्सन है तो पटा नहीं सकते और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो डिफिकल्ट काम करवाना है ऊपर से कुछ है उसको तो जैसे हनुमान जी थे संजीवनी मंगानी थी पूरा पहाड़ लेके आ गए कुछ भूख लग रही थी एप्पल समझ के पूरा सूरज खा गए तो ही वॉज बाहुबली हनुमान जी तो बाहुबली का जहां पे भी नाम आता है बलराम का वो इस टाइप से हरक्यूलियन नाम है तो जो हरक्यूलियन है वो आप इसी तरह से रखो हरक्यूलियन हनुमान से या बलराम से या बाहुबली से तो आपको याद रहेगा वो व्यक्ति या वो काम वो काम एक्चुअली जिसको करने के लिए किसी बलशाली व्यक्ति की जरूरत है वो हरक्यूलियन टास्क होता है है ना जो बहुत आराम से ऐसे नहीं होगा बहुत ईजीली जिसमें बहुत मेहनत चाहिए बहुत उसमें एफर्ट चाहिए तो वो मेहनत वाला एफर्ट वाला काम हरक्यूलियन टास्क कहलाता है ये अलग है ये अलग है ये डिफिकल्ट जो सॉल्व ही नहीं हो रहा खूब मगजमानी कर ली नहीं हो रहा डिफिकल्ट टास्क जो पर्सन डिफिकल्ट है मतलब जो पर्सन डिफिकल्ट टू पटाना है उसको हम ये कहते हैं हार्ड नट पर वो काम जो बहुत आसानी से नहीं होता वो हर क्यूडन टास्क होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हॉट पोटैटो हॉट पोटैटो इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू कल हमने इसका एक सोनिम किया था बताएं शालिनी कहाँ आपकी शादी है बताइए इंडिया स्टडीज हमेशा आपके साथ होती है अगर आपकी शादी यहाँ होगी आसपास होगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे बिल्कुल और हम सब आपके साथ हैं आपकी इस खुशी में एंड एवरीबडी विल लव टू मै कम टू अ मैरिज लाइक चलिए हॉट पटाटो क्या होता है हॉट पटाटो होता है कंट्रोवर्शियल इशू है ना मूड पॉइंट जिसको बोलते हैं कल आया था बताएंगे इसका सुनौने मीडियम हाँ कल करा था मूट पॉइंट होता है एम डबल ओ टी है ना कंट्रोवर्शियल जैसे आज राजस्थान में मतलब हमारे जो ऑफिस है या मेरा जो घर है इससे फाइव मिनट्स की दूरी फाइव मिनट्स ज्यादा है वॉकिंग डिस्टेंस पे थ्री मिनट्स पे हमारे यहाँ पे मेट्रो बस हॉस्पिटल है जहाँ शुरू से सुबह से जो ये आ, भीड़ लगी हुई भी है जहाँ शुरू से ये जो आज आपने न्यूज देखी होगी जो उसके कारण उस न्यूज के कारण जो इतनी हड़बड़ हो रही है वो यहीं आसपास हो रही थी तो हम घर से काम कर रहे हैं आज तो वो कंट्रोवर्शियल इशू है हर जगह न्यूज वगैरह पर यही आ रहा है तो जिस पर थोड़ी विवाद हो सके उसको बोला जाता है हाँ डिस्प्यूट को बोला जाता है नेक्स्ट इज हाउस ऑफ कार्ड्स हाउस ऑफ कार्ड्स कार्ड्स क्या होता है ताश है ना ताश का महल अगर बनाओगे तो कितना चलेगा कितना चलेगा रह लोगेगा उसमें बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं तो ताश का जो महल होता है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते बिना तूफान के छोटी सी हवा भी उसको गिरा जाएगी तो हाउस ऑफ कार्ड इज इन सिक्योर स्कीम जो आपने इतनी अच्छी लंबी चौड़ी प्लानिंग योजना बताई है ये सब हाउस ऑफ कार्ड है मैं इस पर नहीं विश्वास करती

तो वो अकिक इन द टीथ क्या होता है उसी को बोला जाता है सेटबैक होना कि एकदम से गिर गए धराशायी हो गए असफल हो गए किसी काम में है ना नेगेटिव के लिए यूज होता है कि अगर किक इन द टीथ है तो गिर गए आप धराशायी हो गए अब कुछ नहीं कर पाओगे नेक्स्ट अ लेम एक्सक्यूज इसका सुनाने हमने कल करा था लेम एक्सक्यूज कल करा था क्या बोला था मैंने स्कूल में कॉपी बहुत अच्छी थी होमवर्क बहुत अच्छे से किया था फिर भी नहीं लाए क्यों क्योंकि हमने तो किसी को दे दी किसी निधि पर्सन के पास जरूरत थी उसको नोटबुक नहीं थी हमने दे दी ये क्या होता है बुल स्टोरी कहानियां झूठा बहाना वीक एक्सक्यूज है ना सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ बेवकूफ बनाने की पूरी साजिश चल रही है तो दैट इज अ लेम एक्सक्यूज दैट इज अः ये कॉक एंड बुल स्टोरी है ना उसी को बोला जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी तो आई थिंक ये 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 अभी क्योंकि हमने फर्स्ट फिफ्टी पढ़े पर रिपीट होना शुरू हो गया नहीं होगा वैसे रिपीटेशन नहीं होगा एक भी का क्योंकि पूरा अल्फाबेटिकल है रिपीटेशन तभी होगा जैसे जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है अगर कोई ए से ना स्टार्ट हो के फिर से हो रहा है तभी रिपीटेशन होगा अदरवाइज नहीं होगा है ना हाँ एबजर्ड भी कह सकते हैं झूठा बहाना एब्जर्ड स्टोरी बोल सकते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी सी को बोलते हैं नेक्स्ट इज अ लाफिंग स्टॉक लाफिंग स्टॉक कौन होता है जो बहुत हंसाता है वो लाफिंग स्टॉक होता है नो no. वो जोक्यूलर मजाकिया वो होता है है ना चकलसम व्यक्ति बट अगर लाफिंग स्टॉक है तो वो व्यक्ति ऐसा है जिस पर सब हंसते वो कुछ भी बोल देगा ना सब हंसेंगे उस पर वो लाफिंग स्टॉक है किसी के पास एग्जाम्पल है लाफिंग स्टॉक का दे लाफिंग स्टॉक एन ऑबेक्ट ऑफ लाफ्टर वो व्यक्ति जिसने कुछ भी करा है बहुत सिंपल सा काम भी करा उसने अपनी बात भी बोली है तो वो लाफिंग स्टॉक हसी का पात्र बन जाता है लाफिंग लेम एक्सक्यूज ऐसे ही झूठा बहाना बनाना टीथ नाकामयाबी यानी सेटबैक हो जाना यानी गिर जाना वहीं पे संभल नहीं पाना हाउस ऑफ कार्ड्स एम फेक कुछ भी नेक्स्ट इज अच्छा ये हम कर चुके हैं बाल, बाल बचना हार्ट नट टू क्रैक डिफिकल्ट टू प्लीज जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो हाक्यूलियन टास्क बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने वाला जो काम होता है उसको बोला जाता है हॉट पटाटो जिस पर विवाद हो सके कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है ना बर्निंग प्रॉब्लम नेक्स्ट अलीन पैच कल आ चुका है इसका एक सुनोने मीडियम आप बताएंगे मैं आपको टाइम दे रही हूँ नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट उसके बाद लिटिल बर्ड टोल्ड मी और उसके बाद है लिटिल ग्रेटिट्यूड hmm. वो तो किसी से मजाक करना होता है इफ यूज लेक उड़ाते हो ठीक है उसका वैसे किसी का मजाक उड़ाना टांग खिंचाई करना वो होता है पुल सम्बडीज लेग और अगर कोई व्यक्ति ये है लाफिंग स्टॉक है तो उसका मजाक बनता है बार बार वो व्यक्ति होता है हाँ लीन पैच आई थिंक अब बैड पैच आया था कल बैड पैच जिसका मैंने सीमी साइड भी बताया था बुरा वक्त बुरा दौर है ना उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है ठीक है अ बैड एग डिसऑनेस्ट व्यक्ति होता है वो नहीं होगा बैड एग डिसऑनेस्ट व्यक्ति ठीक है और बैड हेयर डे क्या होता है जब आपका दिन ही खराब हो सब कुछ गलत 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 हुए जा रहा है वो बैड हेयर डे होता है तो लीन पैच इज बैड पैच ओके याद तो है पर सब कुछ उल्टा पुलटा हो गया तो रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट मतलब उल्टा हाथ है ना उल्टे हाथ से दिया गया कॉम्प्लीमेंट मतलब सीधे 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 तारीफ नहीं की गई है लगा तारीफ की गई है पर 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 धीरे 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 समझा अच्छा तारीफ के बेस में बुराई कर गया होता है ना दिखाने की प्रशंसा हंस के देख रहा है या देख के हंस रहा है आप जब तक समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो एक लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट बन जाता है अनक्लियर सा कॉम्प्लीमेंट ये तारीफ थी या बुराई थी ये तारीफ थी या बुराई थी कई बार हमें लगता है ना ये तारीफ थी वाकई तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दिखाने दिखाने वाली सिर्फ तारीफ दिखाने के लिए है नहीं, नहीं है नहीं नहीं एक्चुअली में उसको बोला जाता है ठीक है सरताजम बोल सकते हैं इसको बताया मुझे किसी ने ऐसे कोई बात होती है तुम्हें किसने कहा तुम्हें कैसे पता जब आपको कोई पूछता है बार 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 तो आप ऐसे कहते हो पता चला मुझे कहीं से बताया मुझे किसी ने वेन यू वेन यू डोन्ट वॉन्ट टू डिस्कलोज द नेम जब आप ये नहीं चाहते हो कि एक्चुअल नाम किसका है कौन ने आपको बताया उसका पता चले ये आप नहीं समझ ये आप नहीं बताना चाहते तो आप कहते हो अटिल बर्ड टोल्ड मी अटिल बर्ड टोल्ड मी मतलब बताया मुझे किसी ने मुझे किसी ने बताया मैं नहीं बता रही है ना है किसी ने है कोई जिसने मुझे बताया ये होता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी अटिल बर्ड टोल्ड मी नेक्स्ट अ लिटिल का शॉक ग्रैटिट्यूड ये मेरे ख्याल से बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें मैंने बड़ा सा सर्कल कर दिया अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल होना किसी का आभारी होना किसी का कृतज्ञ होना किसी के है ना शुक्रगुजार होना कि चलो अच्छा हुआ आपकी वजह से मेरा काम हो गया अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस आभारी होना किसी का बहुत ज्यादा एहसानमंद होना है ना एहसानमंद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर शायद ये ज्यादा अच्छा वर्ड आपके समझ में आ जाए ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइव वायर अ लाइव वायर लाइव वायर आजकल बहुत ज्यादा आने लगे हैं और लाइव वायर जो होता है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ड को आपने इतना पढ़ लिया कि इसके बहुत सारे आपको आते होंगे तो बताएं जरा सा लाइव वायर किसको कहा जाता है बताएंगे अलॉट ऑन योर प्लेट ये भी बहुत ज्यादा आता है अ मैन इन द स्ट्रीट और लास्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स अगर एक व्यक्ति मैन ऑफ लेटर्स है तो वो बड़ा अच्छे से पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति है पढ़ा लिखा है शिक्षित है सब कुछ ज्ञानी है ना तो शिक्षित शिक्षा का ज्ञान है जिसको उसको बोला जाता है अ मैन ऑफ लेटर्स अ मैन ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में अ मैन ऑफ वर्ड को क्या बोला जाता है अ मैन स्ट्रीट मैन इंडस्ट्रीज गलियों में घूमने वाला बिल्कुल आम आदमी ले -man. आम आदमी लेमैन कॉमन मैन उसको बोला जाता ले है लेमैन है कॉमन मैन है बिल्कुल आम आदमी है, उसको मैन इन ऑर्डिनरी कोई कोई, कोई पॉलिटिशियन नहीं आप के और मेरे जैसे जो लोग होते हैं, है, तो मैन इन द स्ट्रीट तो मैन ऑफ लेटर्स को एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं वही एरोडाइट होता है वही होता है एरोडाइट ठीक है नेक्स्ट इज हाँ, फुल ऑफ बीन्स एज ऑफ बीन्स तो अच्छा इसके लिए बोल रहे हो लाइफ वायर के लिए बोल रहे हो हाँ फुल ऑफ बीन्स हो सकता है ये और फुल ऑफ हाई स्पिरिट याद है फुल ऑफ हाई स्पिरिट ये भी इसी को बोला जाता है और फायर इन बेली शायद कल आया था क्या या कहीं और किसी और क्लास में बताया था मैंने बेली किसी के बेली में फायर है पेट में बहुत आग है इसका मतलब क्या है बहुत उत्सुकता है बहुत एनर्जी है बहुत ही ज्यादा यू नो हाँ बहुत ही ज्यादा विग्रस व्यक्ति है वाइवेशियस व्यक्ति एकदम लाइव वायर एकदम आता है तो एकदम करंट मच जाता है सबको वाइवरेंट व्यक्ति है तो लाइव वायर फुल ऑफ बीन्स फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स

तो वेन एवर ऐसा मीनिंग कोई आता है तो आपको ये रिपीट कर लेना है ठीक है हाँ वन वर्ड सबसे कब करवाएंगे मैं सोच रही हूँ बीच में ऑल्टरनेट क्लास ले लेते हैं ताकि वन वर्ड भी चलता रहेगा ये भी चलता रहेगा डन है Done ये ओके okay? हो गया सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन पे चलते नीडल इन स्टेक कौन सा आपको यहां से अभी तक नहीं आया है वो बताइए चारों में से कौन सा आपके लिए नया है हाँ जी हाँ आराम से आराम से कल आया था ओके अमैन ऑफ वर्ड अमैन ऑफ वर्ड क्या होता है अमैन ऑफ वर्ड वादे का पक्का प्रोमिसिंग व्यक्ति जो अपना वादा निभाता है ये मैन ऑफ वर्ड है इसने जो कह दिया वो जरूर करेगा ठीक है वन हु वॉक्स द टॉक्स देखो मैन ऑफ वर्ड कौन होता है वन हु वॉक्स द टॉक्स man ऑफ words. जो उसने कह दिया वो वो जरूर करेगा अमैन ऑफ वर्ड का पक्का ठीक है जो मैंने कह दिया वो मैं जरूर करूंगा उसको बोलेगी ठीक है नेक्स्ट वन अमेयर्स नेयर्स नेस्ट

सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन हार्ड नट टू क्रैक याद है नोट कर लीजिए यहीं पर हार्ड नट टू क्रैक डिफिकल्ट सिचुएशन जो बहुत आराम से हैंडल ना हो ठीक है अभी आप आगे पढ़ेंगे टू बी ऑन थिन आइस थिन आइस पे होना डेंजरस रिस्की सिचुएशन में होना डिफिकल्ट सिचुएशन में होना या इन और क्या हो सकता है इसके लिए और हो सकता है इन ट्रवल्ड वॉटर्स ये भी हो सकता है फिश आउट ऑफ वॉटर आया था क्या ट्रबल वॉटर या फिश आउट ऑफ वॉटर ये सब आया था ये सब इसी के लिए हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना डिफिकल्ट सिचुएशन में होना फिश आउट ऑफ वॉटर सेम बात फिश आउट ऑफ वॉटर सेम बात मेयर्स सेम बात हार्डनर टू क्रैक सेम बात टू बी ऑन द थिन आइस सेम बात है ना टू बी ऑन टाइट रोप या ऑन थिन रोप इसको भी यही बोला जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना मुश्किल परिस्थिति में होना डेंजरस सिचुएशन में होना रिस्क में होना उसके लिए आता है ये सारा ठीक है हाँ नहीं बींग इन द सेम बोट नहीं सेम बोट में होना सेम मुश्किल परिस्थिति में होना लाइक like, आपका भी फॉर्म अभी रिजेक्ट हो गया है उसका भी फॉर्म अभी रिजेक्ट हो गया है तो अब आप क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत अच्छी प्रिपेरेशन की थी बट यू बोथ आर यू बोथ आर इन द सेम बोट आप दोनों सेम एक जैसी मुश्किल परिस्थिति में पर सिर्फ मुश्किल परिस्थिति में नहीं है सेम वर्ड आ गया ना तो एक जैसी मुश्किल परिस्थिति में होना ओके चलिए सिक्सटी सेवन इसके फोर फाइव यहां पर है आगे चलेंगे याद आया? ये सब long time के लिए आता है। लंबा समय किसी चीज में लगने वाला है लॉन्ग टाइम इट इज मंथ ऑफ संडेज लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम चल रहा है लंबा समय चल रहा है मूड पॉइंट हो गया है कंट्रोवर्शियल इशू अभी अभी पीछे क्या हुआ था मूड पॉइंट के लिए हॉट पोटैटो कल क्या आया था है ना हॉट पोटैटो विवादित मुद्दा वो वे, वो है ना एलिफेंट इन द रूम होता है इसी को बोला जाता है एलिफेंट इन द रूम कि वो क्वेश्चन जिसमें जिसपे कोई भी बात नहीं करना चाहता क्यों क्यों क्योंकि ये डिबेटेबल है बात करोगे लड़ाई होगी एलिफेंट इन द रूम इसी को बोला जाता है नेक्स्ट अनीडल इन अ हे अ अनीडल इन अ हे स्टिक हे स्टिक क्या होता है घास का ढेर घास के ढेर में अगर सुई गिर गई है तो आप ढूंढोगे मिलेगा पार्क में भी गिर जाए ना तो ही नहीं मिलेगा और घास का ढेर क्या होता है सारी घास की काट के एक जगह एकदम साइड कर रखे, उसमें रखा हुआ है तो वो तो और भी इम्पोसिबल है वो तो तो और भी है तो कुछ um, सा काम करना जिससे होगा कुछ नहीं टाइम वेस्ट करने के अलावा नीडल इन द ये टाइम वेस्ट है है ना आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो होगा नहीं है ना क्राइंग फॉर द मून रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा चेस द रेनबो रेनबो को चेस करना रेनबो को चेस करना चेस द रेनबो रेनबो को चेस करना रेनबो के पीछे करना पहुंच जाओगे क्या नहीं पहुंचोगे ठीक है चेस द रेनबो हो गया नीडल इन क्राइंग फॉर द मून हो गया जो मैं ये लिख रही हूँ ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा इंडिया स्टडीज के टेलीग्राम पर और आपको मिल जाएगा इंडिया स्टडीज के व्हाट्सएप चैनल पर वहां से ले लीजिए एक दो बार आप स्लाइड रिवाइज करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना या तो आप क्लास को रिवाइज कर लो बेटर क्या होगा क्लास को रिवाइज करोगे तो आपका सुनने से बहुत जल्दी याद होता है सॉन्ग्स भी याद होते हैं बार बार सुनते हो मूवी के डायलॉग्स बार बार सुनते हैं याद हो जाते हैं ना इसलिए हाँ क्राइंग फॉर द मून और चेज द रेनबो तो दोनों इम्पॉसिबल टास्क होता है इम्पॉसिबल करने की कोशिश करना ठीक है हा काउच पोटैटो लोग पटेटो देखो हॉट पोटैटो कॉन्ट्रोवर्शियल इशू और काउच पोटैटो जो काउच पे काउच यानी सोफा सोफा पे बैठे बैठे बस आलू बने जा रहा है कुछ ना उसको खान, कुछ ना उसको मतलब काम करना ना उठना वहीं खाना वहीं सोना वहीं खाना इंस्टाग्राम चलाना स्क्रॉल करना बस तो वो क्या बन जाता है काउच पोटैटो तो वो काउच पोटैटो या हॉट पोटैटो सेवेंटी यहाँ पे डन हो गए आगे चलेंगे पे आकाश आप कौन सा दे चुकी हूं मैं हाँ बीट द डेड हॉर्स बीट द डेड हॉर्स मतलब वेस्टिंग योर टाइम हा बिल्कुल बिल्कुल एक वो डक वाला भी तो होता है ना डक वाला वाइल्ड गूस चेज यस यस यहां पे आएगा वाइल्ड गूस चेज वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या हो गया वही रेनबो वाला कि जंगली डक है गूस यानी क्या होता है डक तो चेजिंग द वाइल्ड डू वाइल्ड इसका मतलब है जंगली डक के पीछे भागना तो आप भाग रहे हो भाग रहे हो उसको ज्यादा अच्छे से रास्ता पता है उसकी स्पीड बहुत तेज है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है अडेप्टेड है वो उस सिचुएशन में वो ज्यादा भागेगी तेज और आप पकड़ भी नहीं पाओगे गायब हो जाएगी तो यू आर अगेन डूइंग द सेम थिंग फिर से आप क्या कर रहे हो सेम थिंग कर रहे हो वेटिंग डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल तो ये सब इम्पॉसिबल है मोस्ट इम्पॉसिबल चीज करने की कोशिश करना सब ये सेम है ना असंभव कार्य करने का प्रयास करना ठीक है बीटिंग द डेड हॉर्स मैं बता देती हूँ बीटिंग द डेड हॉर्स या बीटिंग द फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स और अभी अभी एक आया था इसी में कि फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स हॉर्स की जगह कोई और एनिमल का नाम लिखा हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा शायद क्रो था या काऊ था कुछ ऐसा था तो सेम वही है उसका मीनिंग भी वही है ठीक है हाँ हाँ, न्यू पढ़ रहे हो तो बेटा जो क्लास में करवा रही आपको नहीं पता है आप नहीं। आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ जब आप आगे पढ़ते सब आपका रिविजन होता जाएगा अपने आप याद होता जाएगा ठीक है आप सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए आकाश ठीक है बिल्कुल मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए अपने आप याद हो जाएगा आगे चलेंगे सेवेंटी पे सेवेंटी पे लिखा हुआ सेवनटी टू में लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ अ पेन इन द नेक और यहां लिखा हुआ अ पेनी फॉर योर थॉट्स ओके चलिए अब इसको देखो निगनॉग कौन होता है अगर कोई व्यक्ति को आप निगनॉक आपके यू नो फोन लिस्ट में कोई व्यक्ति होगा जिसको आप ये कहने पसंद करते हो जिसमें या तो दिमाग कम है या बेवकूफ जैसे बातें करता है जो भी है तो अगर ऐसा है तो आप उससे आप उसे क्या कहेंगे अनिग्नोक उसके नाम के आगे निग्नोक लिख लो निग्नोक क्या होगा बस ये कोशिश करिए कि कभी उसके नजर ना पड़ जाए वरना अगर पता नहीं होगा तो ही विल डेफिनेटली गूगल इट कि भाई निग्नो इसने क्यों रखा है मेरे नाम के तो निग्नो कौन होता है फूल और फूल का सुनोनेम इंग्लिश में जो आजकल पूछा जाता है वो इम्बिसाइल पूछा जाता है डॉटिश पूछा जाता है ठीक है डॉल्टिश पूछा जाता है ये सब बेवकूफ के लिए तो फूलिश है टिंग हाँ, भी कह सकते हो उसको आप right? हाँ, तो बेवकूफ है अब देखो नाइन डेज वंडर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना ये सुना है सबने तो चार दिन की चांदनी ये सब छोटी थोड़े समय की चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो चार दिन रहेगी ये चांदनी उसके बाद अपने आप वही ढाक के तीन पात आ जाना है बिल्कुल वही सब कुछ वापस हो जाएगा तो नाइन डेज वंडर का मतलब क्या होता है थोड़े समय की जो खुशी रहती है उसको बोला जाता है थोड़े समय का कई लोगों को थोड़े समय की सफलता मिल जाती है कई लो, लोगों को थोड़े समय की चांदी मिल जाती है यानी हैप्पीनेस थोड़े समय की तो शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन होता है ना जो थोड़े समय रहने वाला होता है उसको बोला जाता है अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन थोड़े समय की खुशियाँ होता है दिखावे दिखावे के लिए जैसे कि अभी जब यहाँ पर इलेक्शन चल रहे थे राजस्थान में तो जो मानो कांग्रेस को फेवर करने वाले हैं या बीजेपी भी को जो फेवर करने वाले हैं वो दे वर और देवर वॉलेंटियर्सियस एनी थिंग वॉलेंटियर्स को खाना सुबह शाम में मिल दिया जा रहा है अच्छा अच्छा बहुत ज्यादा और लोगों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो दे वर लाइक ऑन सेवेंथ हेवन वो सेवेंथ हेवन पे थे ऑन क्लाउड नाइन पे थे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो वो सेवेंथ हेवन पे थे या वॉकिंग ऑन द एयर थे या क्लाउड नाइन पे थे समझ गए तो इसका मतलब क्या है वो फील कर रहे थे कि उन, उनके लिए ही सब कुछ है पर ये सब कुछ डे वंडर था जो बीजेपी के थे उनको तो फिर भी खुशी मिली होगी कि आफ्टर न, विनिंग भी उनके पास ऐसा रहा बट जो कांग्रेस के थे उनको तो बिल्कुल कोना मिल गया अभी पकड़ के कोना बैठ जाओ गायब हो जाना ठीक है तो नाइन डे वंडर क्या होता है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात थोड़े समय की खुशियां जिसमें लोग बहुत ज्यादा उछल लेते हैं ठीक है नेक्स्ट आप पेन इन द नेक पेन इन द नेक जिसको देख के मतलब आपको हमेशा ऐसे लगता है यार क्या है ये फिर से आ गया मैं तो मैं पर एग्जाम्पल जो देती हूँ वो क्या होता है वो वही देती हूँ जब आप पीजी में रहते हो सारे बच्चे ज्यादातर पीजी में रहते हैं जब वो शहर में आते हैं पढ़ने के लिए गांव से या कहीं पे भी रूम लेके रहते हैं तो जो लैंड होते हैं या लैंड होती हैं मकान मालिक या मकान मालिक वो लोग हर छोटी चीज का मतलब ध्यान रखते हैं आपने गेट ऐसे बंद कर दिया बार बार दरवाजा खोल रहे हो बंद कर रहे हो जाते समय चिटकनी नहीं लड़ गई पानी कम डाल दिया या ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है ना या रॉड ज्यादा चला दी इन सब चीजों के लिए दे आर ऑलवेज पेन इन द नेक वो हमेशा कैसे होते हैं इरिटेटिंग कैसे होते हैं इरिटेटिंग बहुत ही ज्यादा अनोइंग होते हैं बहुत ही ज्यादा पेस्टरिंग होते हैं बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है अ पेन इन द नेक इरिटेटिंग एंड डिफिकल्ट टू डील जिनको खुश करना मुश्किल होता है यहाँ पर अ हार्ड नट टू क्रैक भी आप लिख सकते हो अ हार्ड नट टू क्रैक कि आप कितना भी अच्छा कर दो उनको तो गलतियां निकालनी है वो कैसे भी निकाल देंगे दे आर हार्ड नट टू क्रैक ठीक है हाँ टू बी ऑन सेवेंथ हेवन टू बी ऑन क्लाउड नाइन एंड टू बी ऑन टू वॉक ऑन द एयर इन सबका मतलब क्या होता है टू वॉक uh, नहीं टू बी वेरी हैप्पी बहुत ज्यादा खुश होना यही मतलब होता है ठीक हो, तो है वो ऐसा करते हैं कई बार होते हैं कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं फॉर योर थॉट अर थॉट वट इज अ पैनी फॉर योर थॉट है ना तो मतलब ये ऐसे पूछा जाता है वट इज अ पैनी फॉर योर थॉट क्या सोच रहे हो क्या चल रहा है है ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके लिए बोला जाता है इज इज थिंकिंग आप क्या सोच रहे हो पेनी फॉर योर थॉट है ना हाँ इसके लिए बोल सकते हो और फसी ये दो इडिया, दो सिनोनिम्स होते हैं जिनका मीनिंग यही होता है बहुत ही रिटेटिंग बहुत ही परेशान करने वाला बहुत ही पेस्टरिंग बहुत ही अनोइंग उसके लिए यूज उस होता है, ये, है ना ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे पेनी फॉर योर थॉट यहाँ पे खत्म हो गया ये सिर्फ पूछा जाता है क्या चल रहा है आपके दिमाग में ठीक है आगे चलेंगे सेवेंटी फोर यहाँ पे खत्म सेवेंटी फाइव हां जी सारे देखते रहिए कोई ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए आइए अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड एक पिक्चर हजारों वर्ड्स कह देती है तस्वीर सामने लगा दो अपने आप आपके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कई बार एक पूरा ऐसे पांच पेज का ऐसे इस पिक्चर के बारे में ऐसे पढ़ोगे या तस्वीर देख लोगे कितना ज्यादा समझ में आएगा कल कलरफुल विंडो है है ना या फिर बहुत नीला आसमान है पानी बह रहा है फूल खिल रहे हैं ये सब कैसे होता है ये सब बिल्कुल कैसे होता है जैसे ही आप पिक्चर देख लो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, है ना तो अब पिक्चर पिक्चर हमेशा ज्यादा अपीलिंग होती है ज्यादा कह देती है बहुत ज्यादा अच्छा पिक्चर जो होता है मतलब वो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझा दे शब्दों से कहीं ज्यादा ठीक है तो पिक्चर वर्ड्स कई लैंडलॉर्ड्स अच्छे होते हैं है ना कई अच्छे होते हैं लैंडलॉर्ड्स जो बहुत अच्छा आपको ट्रीट करते हैं बहुत अच्छे रहते हैं है ना पर कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते बहुत पेस्टर पजल कर देते हैं आपको दोनों तरीके से आइए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये बिल्कुल तस्वीर के लिए कि तस्वीर जितनी अच्छे से समझा पाती है चीजों को कई बार आप देख के समझ रहे थे बिना बोले वो इडियम बताइए कल आ चुका है ये, तो इसका जो रिपीट कल आ था, वो बताओ पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी जो बहुत आसान हो ठीक है ये पीस ऑफ माइंड है इसको एक्चुअली लिखा जाता है ऐसे गिव समी आ पीस ऑफ माइंड किसी को पीस ऑफ माइंड देना अपने माइंड का एक वो वाला पीस दे देना अपने माइंड का वो वाला पीस दे, दे देना जो बहुत परेशान था अपने मन में जो गुस्सा था जो यू you नो know, किसी के लिए इरिटेशन था किसी के वो किसी के ऊपर चिड़चिड़ाहट आ रही थी वो उस सब उसको दे देना डांट देना उसको तो अपना पीस ऑफ माइंड उसको दे देना टू स्कोल्ड समबडी इसी के लिए idiom होता है टेक समबडी टू टास्क टेक किसी को आड़े हाथों लेना डांटना है ना आज तुम्हें मैं बताती हूँ उसको बोला जाता है ठीक है आज इंग्लिश में फिफ्टी ऑन फिफ्टी लेकर आता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। यही टारगेट रखना है हर रोज नहीं भी आता है ना तो सिर्फ आप नंबर नोट कर लो मैं ना बिल्कुल वन से सीरीज से चल रही हूँ तो ये सेवनटी सिक्स यहाँ पर है मान लो नहीं आता है ये मान लो सेवेंटी सेवन नहीं आता सिर्फ नंबर नोट करते हुए चलो आप तो आपको ईजी रहेगा पढ़ना ठीक है अ पीस ऑफ द पाए पाई यानी वैसे क्या होता है कुकीज को बोला जाता है बिस्किट्स को बोला जाता है चॉकलेट कुकीज जो होती है ना बेसिकली उनको बोला जाता है चॉकलेट बिस्किट्स को तो पीस ऑफ पाई अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेस का जो शेयर होता है हिस्सा जो होता है उसको बोला जाता है पीस ऑफ पाए शेयर इन मनी और बिजनेस दो हिस्सा किया दो हिस्सा किया दोनों में आपस में बांट लिया और अगर पांच लोग है तो लेट्स हैव अ पीस ऑफ पाए तो चलो पाए को बंटवारा कर लेते हैं लेट्स हैव अ पीस ऑफ पाए ठीक है चलिए तो सेवेंटी एट यहाँ पे डन हो गया वन ईयर से क्या रहा मनोज बताइए आइए सेवेंटी नाइन रैग टू अ अ बुल 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 रेड रैग टू अने बैल है ना बैल मतलब वो बुल बुल ये बुल रेस होता है ना तो ब, उनको बुल्स को रेड कलर का कपड़ा दिखाया जाता है और वो उसके पीछे भागते हैं है ना तो रेड कलर को देख के उनको गुस्सा आ जाता है उनको गुस्सा आ जाता है रेड कलर को देख तो वो जो गुस्सा आ जाता है वो क्या होता है कुछ ऐसा है ना किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर चीज से होती है आपने उसको वही दिखा देना है या उसी बारे में बात करना उसी पॉइंट को छेड़ देना है तो उससे उसको गुस्सा आएगा तो जैसे ही उसको गुस्सा आता है यू से इट इज अड रैक टू अ बुल है ना ये मान लो किसी को बोर्ड देख के क्लास देख के या मान लो किसी को है ना किसी पर्सन को देख के या किसी की बातों को करके किसी को गुस्सा आता है तो वो बात वो नंबर वो पर्सन उसके लिए क्या बन जाता है रेड रैक टू अ बुल हां जी हां जी बिल्कुल है टू पूरा इंक्लूडेड है और रेड लेटर डे अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ जिसको आप कभी नहीं बुलाना चाहते आप में से जितने लोगों की शादी नहीं हुई है उन सब की जो शादी है वो उनके लिए क्या होगा अ वेरी इंपॉर्टेंट डे अ रेड लेटर डे उसके लिए आप कितनी तैयारियां करते हो आप दुल्हन को देखो कितनी तैयारी करती कितने समय पहले से लग जाती है एकदम शादी की तैयारी में स्पेशल ड्रेस स्पेशल मेकअप स्पेशल अटायर स्पेशल प्रेजेंस हर संगीत हर फंक्शन को वो लोग बहुत ज्यादा मेमोरेबल बना देते हैं क्यों बिकॉज दैट इज लेटर डे फॉर देम ठीक है अरे ऑफ होप रे ऑफ होप क्या होता है उम्मीद की एक किरण है ना बहुत कम चांसेस जैसे कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है तो भी आपके मन में एक उम्मीद रहती है लास्ट तक कि नहीं नहीं शायद सब कुछ सही हो जाएगा तो वो जो लास्ट तक होती है उसको बोलते हैं अरे ऑफ होप एक होता है होप अगेंस्ट होप होप अगेंस्ट होप क्या होता है होप अगेंस्ट होप होता है उम्मीद ना हो तो भी उम्मीद रखना है ना क्या होता है नहीं नहीं लड़ लेंगे कैसे भी नहीं नहीं कर लेंगे कई मतलब, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, उसको बोला जाता है। हाँ, लिए शादी नहीं जॉब है ये सुनकर बिल्कुल अच्छा लगा मैं शादी का एग्जाम्पल बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि शादी जो है वो कनेक्टेड जॉब से ही है आजकल जॉब होगा तो ही शादी होगी और जॉब पहले होनी चाहिए है ना चलिए होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है उम्मीद विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद रखना होप नहीं है तो भी होप रखना मुश्किल में भी होप रखना नेक्स्ट पाइप ड्रीम इसको बोला जाता है डे ड्रीम डे ड्रीम रखना या टू बिल्ड कैसल कैसल यानी महल टू बिल्ड कैसल इन द एयर हवाई किले बनाना हिंदी में बोलते हैं सिर्फ दिन में सपने देखना है ना डे ड्रीमिंग दिन में सपने देखना या हवाई किले बनाना या फिर पाइप ड्रीम सिर्फ सपने देखना सिर्फ सपने देखना कुछ नहीं करना सिर्फ बैठिए सपने देखिए ये बड़ा मकान होगा एक बहुत बड़ी गाड़ी होगी और हमारा बंगलो होगा सौ नौकर चाकर होंगे ये होगा वो होगा अचानक से कोई आता है एक डंडा मारता है ये मम्मी आती है एक गिलास पानी फेंकती है और सारे सपने पे पानी फिर जाता है तो इसको बोला जाता है अ डे ड्रीम अ पाइप ड्रीम एलिजरी प्लान जो है नहीं जिसका सिर्फ आपने बन में यहाँ बना रखा है ठीक है कर दी कर दी शादी कर दी आपकी कोई बात नहीं अगर जो हो गया उसको आप अगर परिवर्तन नहीं कर सकते तो बहुत सारी ऐसी होती है, जो बहुत डिफिकल्ट होती है और बहुत मुश्किल में से निकल कर अगर आप बाहर आ जाते तो ये दुनिया आपकी है ठीक है जो हो गया अगर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते तो जो है अभी हालात उसमें आप आप काम करिए जॉब चाहिए तो करिए आप उसके लिए काम करिए है ना वर्क अगेंस्ट द क्लॉक समय देख के काम मत करो अपने आप को काम करो ठीक है अपने आप को बड़ा बनाइए हाँ अब मून शाइन भी इसी को बोलेंगे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना ख्याली पुलाव पकाना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना हाँ डे ड्रीमिंग वो ना ना डे ड्रीम पाइप ड्रीम अन प्लान प्लांट उसका मीनिंग है मून शाइन ख्याली पुलाव पकाना बिल्ड कैसल इन दर ठीक है चलिए आगे चलते एटी टू यहाँ पे खत्म होता है एटी थ्रीफ्ट इन रिफ्ट इन ल्यूट सबसे पहले सीडियम को समझो मीनिंग होता है दरार है ना गैप हो गया दरार हो गया उसको बोला जाता है रिफ्ट आ गया दरार आ गया हाँ जॉब चाहिए बस और बाकी सब देख लेंगे सब देख लेना बाद में और पता है वो जो ये लगेंगे ना स्टार्स यहाँ पे वो अपने आप देख लेंगे ठीक है वो अपने आप देख लेंगे पहले आप स्टार लगाओ बाकी सब अपने आप हो जाएगा लोग अपने आप चेंज हो जाते हैं अभी अगर आपके लाइफ में अड़ंगे लगा भी रहे होंगे तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ ऐसे अर्जुन यही दिखना है ना इधर दिखना ना इधर दिखना अपने आप आपका काम होगा ठीक है चलिए हाँ तो अरेफ्ट इन द ल्यूट और ल्यूट क्या होता है ल्यूट एज प्लूट फ्लूट यानी क्या होता है बेटा जी बांसुरी क्या होता है बांसुरी है ना तो बांसुरी में बहुत सारे होल्स होते हैं ना एक सिस्टमैटिक बनाए गए हैं बहुत सोच समझ के तो जो वो वो भी है कि ना एक पूरा सुर किससे बनता है ट्यून किससे बनता है धुन किससे बनती है उस फ्लूट में अगर उसमें कोई अगर उसमें कोई दरार आ जाए कोई रिफ्ट आ जाए कोई गैप आ जाए तो फिर वो काम नहीं करेगा यानी टीम में दस लोग हैं है ना और सारे के सारे लोग कैसे हैं सारे के सारे लोग कैसे हैं आपस में असहमत क्या लिखा हुआ हाँ डिसअग्रीमेंट डिसअग्री किसी भी बात पर डिसअग्री कर रहे हैं ब्रोकन है एक दूसरे से साथ नहीं दे रहे हैं एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे तो फिर वो वो क्या है रिफ्ट वो क्या बोलते हैं टीम में भांग पड़ जाती है है ना एकता नहीं उनके अंदर एकता में उनके भंग पड़ गई है तो रिफ्ट इन द ल्यूट कि सारे लोग क्या है असहमत है रिफ्ट इन द ल्यूट ब्रॉट अबाउट डिसहनी फ्लूट में अगर रिफ्ट आ गई फ्लूट में अगर रिफ्ट आ गई तो क्या हो गया फ्लूट नहीं बचेगी उसी तरीके से टीम में अगर दरार आ गई है ना एक समूह में अगर दरार आ गई तो सारे लोग एक दूसरे से टूट जाएंगे वो लोग असहमत हो जाएंगे तो डिसग्री होना असहमत होना इसको बोला जाए असहमति की स्थिति बोल सकते हैं इसको नेक्स्ट स्टोन गैदर नो मॉस रोलिंग स्टोन जो होता है वो कोई मॉस नहीं गैदर करता है इसका मतलब क्या है देखो रोलिंग मतलब लुढ़कने वाला पत्थर एक पत्थर है वही टिका हुआ है बहुत दिनों से बहुत दिनों से एक ही जगह पे पत्थर है मतलब ह, हजारों साल लग जाते हैं पत्थर एक जगह बना रहता है बना रहता है बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, पे है, मतलब है जो वहां पे छोटे छोटे ग्रीन एक तो होता है ये ए, क्या बोलते हैं उसको ग्रीन का जो शेल आ जाता है पूरा है ना उसको बोला जाता है वो है प्लांट्स है काफी चीजें है उसपे बहुत सारी चीजें उग जाती हैं बहुत सारी चीजें उसकी जगह बना लेती है लेकिन जो पत्थर कभी आज इधर है कभी उधर है कभी रोड पे आ गया पेड़ से तुमने उधर मार दिया उसकी ना तो कोई जगह बनती है उसकी ना तो अपनी आइडेंटिटी बनती है उसको बोला जाता है रोलिंग स्टोन अगर आप इधर उधर कोई व्यक्ति होता है आज तीन महीने यहाँ जॉब करी अगले तीन महीने वहां जॉब करी फिर कहीं और जॉब करी फिर बैठ गए कुछ नहीं किया तो यू आर नॉट डिग्निफाइड आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई आपकी कोई सैलरी नहीं बनी आपकी कोई पहचान नहीं बनी आपकी कोई इमेज नहीं बनी ना आपको लोग जानते हैं ना आपका साथ देंगे ना ही आपको पैसा वाली हेल्प मिलेगी तो रोलिंग स्टोन जो इधर उधर भटकता रहता है वो ना तो पैसा हासिल करता है ना ही नाम हासिल करता है ना ही पहचान हासिल करता उसको बोला है रोलिंग स्टोन रोलिंग स्टोन जो इधर से उधर इधर से उधर कभी इधर चला कभी उधर चला करता रहता है वो कोई कुछ नहीं पाता है जीवन में कुछ नहीं पाता इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये समझने में टाइम लगेगा तो उसको पढ़िए दो तीन बार नेक्स्ट इज रॉटन एप्पल हिंदी में कहते हैं सड़ी हुई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है उसी तरीके से एक खराब एप्पल सारे एप्पल्स को गंदा कर देता है एक खराब व्यक्ति काफी होता है पूरे ग्रुप को खराब करने के लिए वो होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे a sacred crow. Sacred मतलब क्या होता है पायस हिंदी में कहा जाता है ये ये इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं, इसको नहीं। ये तो गाय है एकदम सीधा साधा व्यक्ति है उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है अ सेक्रेट क्रो सेक्रेट क्रो है सीधा व्यक्ति जिस पर हम कोई उंगली नहीं निकाल उगा सकते है ना उठा सकते सीधा व्यक्ति एकदम गाय जैसा जेंटल काउ इज अ जेंटल एनिमल पहली लाइन आप लोगों ने लिखी होगी जब काउ पे ऐसे लिखा होगा तो क्यों काउ एकदम सीधी साधी एनिमल है उसी तरीके से एकदम गाय जैसा सीधा साधा व्यक्ति है ये आगे चलेंगे 87 87 88 89 90 पढ़ लेते हैं अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है यहाँ पर अ स्केप गोट है अ सी चेंज और अ शॉट इन द आर्म सारे सुने हुए होंगे एक बार देखिएगा ऊपर से नीचे तक आराम से सबसे पहले अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स सेफ पेयर ऑफ हैंड्स में सबसे पहले सेफ्टी वो हाथ जहां पर आपकी चीजें सेफ हैं वो हाथ सिर्फ पेयर ऑफ हैंड है पेयर ऑफ हैंड ही होते हैं सबके पास तो ये वो हाथ है जिनके पास आपकी चीजें सुरक्षित है यानी व्यक्ति कैसा है ऑनेस्ट है ईमानदार है नेक है है ना आराम से सिंसियर है आपको सपोर्ट करने वाला है आपका साथ देने वाला है आपको भरोसा आप जिस पर आराम से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो सेफ पेयर ऑफ एंड है आप अपना पैसा अपनी ज्वेलरीज के पास छोड़ सकते हो सेफ पेयर ऑफ है विश्वसनीय व्यक्ति भरोसेमंद है जो विश्वास के लायक हो जो विश्वास के लायक हो भरोसे के लायक हो उसको बोला जाता है नेक्स्ट इज स्केट करे कोई भरे कोई होता है ना आप दस मेंबर भी खेलते हो एक मेंबर है जो बहुत सीधा है तो जब भी बॉल जाती है किसी के घर में तो बाकी सबका है वही बच जाता है वही फंस जाता है उसी को डांट पड़ती है बार बार लेकिन वो सीधा है हर बार फंस जाता है तो वो व्यक्ति जिसको ब्लेम किया जाता है उस गलती के लिए जो किसी और ने की हो वो व्यक्ति जिसको ब्लेम किया जाता है उस गलती के लिए जो किसी और ने की हो बली का बकरा उसी को बनाया जाता है हर बार जिसको फंसाया जाता है प्रॉब्लम में वो होता है स्केम कोट नेक्स्ट इज अ सी चेंज सी मतलब समुद्र है ना समुद्र की जैसा बड़ा बदलाव देखिए अभी 2023 में इलेक्शन हुए उससे पहले राजस्थान में 2019 में इलेक्शन हुए थे है ना सॉरी uh, 18 में तो 18 में जो इलेक्शन हुआ था यहां पर हमारे यहाँ पर कांग्रेस जीती थी कांग्रेस जब जीती थी तो क्या हुआ था फेस किसका दिखाया गया था पायलट साहब का है ना सचिन पायलट का फेस दिखाया खूब लोगों ने बड़ा भरोसा किया कि इज अ अंग डायनमिक एनर्जेटिक और समझदार पर्सन है सेंसिबल है बहुत ही एजुकेटेड है वेल well लर्नड है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है तो बहुत सब ने सोच के कांग्रेस को वोट दिया कि चलो अच्छा एक हमारे यहाँ पर आ, चीफ मिनिस्टर का फेस आएगा ठीक है सब वोट दिए कांग्रेस को और कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस बहुत खुश भी हो गई सब कुछ बहुत अच्छा द मोमेंट मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया चीफ मिनिस्टर बनने का टाइम आया तो अशोक गहलोत वॉज द फेस सचिन पायलट इज गायब एकदम गायब तो लोगों के मन में हुआ ये हुआ ये वॉट इज दस इतना बड़ा बदलाव दिस इज कॉल्ड अ चेंज हाउ इट तो ये बड़ा बदलाव अचानक कैसे हो गया एंड पीपल क्यों हुआ बहुत अशोक गहलोत पायलट साहब भी, भी गए थे काफी चीजें खराब हो गई और उसका रिजल्ट ट्वेंटी थ्री में अब देखने को मिला क्योंकि अब कांग्रेस को सचिन पायलट ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जैसा उन्होंने नाइनटीन में किया था क्यों बिकॉज ऑफ दैट सी चेंज उस चेंज चेंज के कारण, उस सी चेंज के कारण, कारण, उस वो वो बड़ा वो बड़ा बदलाव, है ना? कोई कैसे भूल सकता हमने सचिन पायलट को वोट दिया सचिन पायलट आए नहीं तो वो सी चेंज जो है उसको कहा जाता है बड़ा बदलाव रेडिकल चेंज आप रोज जाते हो एक ही रास्ते से उसे बहुत गंदा ना नाला होता है उससे गुजर के जाना होता है और रोज बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक दिन आप अचानक संडे आ जाता है आप गए नहीं मंडे को जब आप जाते हो वहीं देख रहे हो वो नाला एकदम गायब हो गया वहां पर एक बड़ा सा ब्रिज बन गया अब आप आपको बिल्कुल गंदा नहीं होना बहुत अतमेनान से ब्रिज पर चल के जाना तो क्या आप उस ब्रिज को नोटिस नहीं करोगे करोगे ना दिस इज कॉल्ड अ सी चेंज इसको सी चेंज कहते हैं बड़ा बदलाव ड्रास्टिक चेंज है ना हाँ इसी को कहा जाता है ड्रास्टिक यानी नोटेबल जो कि नोटिस के बिना ना रहे ड्रास्टिक चेंज बड़ा बदलाव अब ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट अ शॉट इन द आर्म शॉट इन द आर्म अरे यू कैन डू इट ऐसे करते ना अरे अरे करो करो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कर रहे हो तो यहां पर कोई मारता है तो इसलिए नहीं मारा जाता है कि भाई तुमको सजा मिल रही नहीं 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 एक होता है टैप करना टैप एट द बैक प्रोत्साहन देना और शॉर्ट इन द आम जो आपको मोटिवेट करता है जो आपको बूस्ट करता है तो अ टैप एट बैक एट द बैक तो बैक पीठ थपथपाना और शॉर्ट इन द आर्म प्रोत्साहन देना अच्छा किसी को हेल्प करना उसको बोला जाता है नाइंटी यहाँ पे डन हो गया इजी वाला ये तो नाइनटी वन पे चलते हैं अट इन द डार्क ध्यान से देखिएगा ये शॉर्ट इन द आर्म और शॉर्ट इन द डार्क शॉर्ट इन द डार्क अंधेरे में तीर चलाना यानी आइडिया कुछ नहीं है ऐसे ही तुक्के लगा के लगा आ रहे में, क्या पता लग जाए है ना? या किसी बात के लिए आपको मतलब बिल्कुल नहीं था आपने अपनी तरफ से कुछ बोला और बाय ऐसा हुआ कि वही बात सच थी तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कोशिश करना किसी चीज को गेस करने की समथिंग इसको इसको बोलेंगे. है है? है. ना? क्या मतलब होता होता एक आई टॉनिक आई टॉनिक देखो टॉनिक यानी मेडिसिन होती है टॉनिक दिया जाता है डॉक्टर देता है खांसी होती है तो टॉनिक देता है है ना? कि आपका इलाज हो जाए ठीक हो जाओ आप आई टॉनिक होता है जो किसी सॉरी वो टॉनिक होता है और जब आपको किसी को देखना अच्छा लगता है जिसको देखने भर से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है या जिसको आप बैठे बैठे इतमेरान से देखते रहते हो कोई पार्क भी हो सकता है आप उसी आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो मैं तो किसी सीन के बारे में कोई पार्क है कोई नो you know, विंडो से बाहर देखना या बैल्कनी से बाहर देखना या किसी प्लांट को देखना किसी फ्लावर को देखना कोई को देखना वो सब भी हो सकता है आप सिर्फ एक पर्सन के बारे में आपको बहुत अच्छा लगता है वो आपके लिए आइटोनिक है साइट फॉर सोर आई सोर यानी क्या होता है खराब सोर थ्रोट होता है ना खराब है ना तो खराब कोई चीज आंखें खराब है पर उसको देखने से आंखों को अच्छा फील आता है इतविनान आता है वो होता है साइट फॉर कुछ ऐसा है आपके कबर्ड में आपके skeleton आप स्कैलेटन रखा हुआ आप सबको तो दिखाना नहीं चाहोगे ठीक है तो स्कैलेटन रखा हुआ है आपने कबर्ड में तो वो कुछ ऐसी चीज है जो छुपा के रखने वाली क्यों क्योंकि सब देखेंगे ये क्या रखा हुआ है कुछ ऐसा जो बुरा है जो खराब है जो अच्छा नहीं है जो आपको आपका एक बैड पार्ट है ना आपका आपकी जिंदगी का एक बैड साइड है उसको आप छुपा के रखना पसंद करते हो, उसको कहा जाता है स्केलेटन इन द कबर्ड इसको कहा जाता है एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट जिसको आप छुपा के रखना पसंद करते हो अपना यू नो कई कई लोगों का एक यू नो सीक्रेट पास्ट होता है वो उसको बताना नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को छुपा के रखते हैं स्कैलेटर इन द कबर्ड बंद करके रखते हैं ताकि लोग उसको देख ना पाए स्कैलेटर इन द कबर्ड नेक्स्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट रिस्ट क्या होता है रिस्ट होता है कलाई कलाई पे अगर किसी ने कलाई पे अगर किसी ने आपको थप्पर मार भी दिया स्लैप नहीं था चाटा मारना होता है चाटा मारा रिस्ट पे तो लगेगी आपको नहीं तो ना के बराबर सजा देना ना के बराबर सजा देना स्लैप ऑन रिस्ट होता है 94 है ये एक बार देखिएगा प्लेलिस्ट इडियम की बनी हुई है प्लेलिस्ट वन वर्ड की भी बनी हुई है आप सीधे पे जाएंगे, वन वर्ड्स चूज करेंगे सारे जितने मैंने आज तक वन वर्ड्स कराए सब आपको वहां मिल जाएंगे ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो भी आपको इडियम्स की प्लेलिस्ट में वन से लेकर आगे तक पूरी मिल जाएगी ठीक है जितने भी आप कॉपी करवाई हुई है पुराने जितने इडियम्स है प्लेलिस्ट सारी ऐसी बनी हुई है आप क्लोजेस्ट पढ़ना चाहते हैं सारे क्लोजेस्ट एक साथ मिल जाएंगे आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं सारे आपको प्ले... जितने आज तक करवाए सब मिल जाएंगे ऐसे ही मैंने आपको जितने पैरा जम्बल पी क्यूआर के सब एक साथ वॉइस नरेशन कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैं सुनोन जान्टनिम सब इस तरीके से सेटल्ड है सब मिल जाएंगे ठीक है चलिए तो 94 खत्म होता है 95 फाइव यहाँ पर स्नेक इन द ग्रास बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला एग्जाम में आता है कौन होता है वो दोस्त जो दोस्त होता है पर दुश्मन वाला काम करता है उसको स्नेक इंदाग्रास कहता है ठीक है धोखेबाज व्यक्ति जो दिखता है आपका अच्छा दोस्त हो सकता है पर वही सबसे पहले आपको धोखा देता है धोखे बाज वा, व्यक्ति स्क्वायर डील स्क्वायर जहां जहां पे आता है ये ऑनेस्टी के लिए आता है ज्यादातर पैर स्क्वायर एक और फेयर एंड स्क्वायर एक ऑर तो ऑनेस्टी ठीक है न्याय जहां पर न्याय हो रहा है उसको बोला जा रहा है ठीक है अ फेयर अग्रीमेंट जहां न्याय हो रहा है न्याय के लिए आता है फेयरनेस के लिए आता है स्क्वायर डील अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल राउंड होल तो राउंड बना दिया राइट right? और उसमें आप स्क्वायर पैक डालने की कोशिश कर रहे हो आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा इसका मतलब इसका मतलब मिसफिट जो एनवायरमेंट है अब एनवायरमेंट है उसमें वो मिसफिट है मिसफिट है यानी वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ठीक है स्क्वायर पैगिंद राउंड होल पहले बहुत ज्यादा आता था अब उतना ज्यादा नहीं आता पर कभी भी आ सकता है उसको बोला जाता है स्क्वायर पैगिंद राउंड होल चलिए नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन और हंड्रेड लास्ट थ्री है जल्दी से चेक करिए कि क्या ये तीनों आपको आते हैं इसी के बाद ये भी चेक करिए कि हमने करे हैं पूरे फिफ्टी इडियम्स तो ये फिफ्टी में से आपको कितना कमाया आपने और कितने आपको इडियम्स नए लगे और हंड्रेड आज हो गए हैं है ना फिफ्टी हमने कल किए थे फिफ्टी हमने आज किए दोनों मिला के हंड्रेड में से आपने कितने आते थे कितना आपके लिए नया है कौन सा नंबर नया है और जो नया है उसको आपने कर लिया है प्रिपेयर या नहीं ठीक है चलिए अस्टिफ नेक्ड पर्सन नेक स्टिफ ही रहता है यू ही रहता है नीचे नहीं झुकाता इधर उधर नहीं देखता तो स्टिफ नेक्ड है यानी कि इसको टाइट रखने वाला है, है ना इसका मतलब क्या होता है स्टबर्न व्यक्ति है है ना ना नहीं सुनेगा अपनी चलाएगा जो उसने बोल दिया वैसा ही बोल दिया है जो उसने बोल दिया वही है टॉफिनोस्ड टॉफी थोड़ा सा अहंकारी भी होता है है ना टॉफी कौन होता है अभी आएगा नीचे कहीं पे या कल आएगा कहीं और आएगा अटॉफिनोज तो टॉफी होता कौन है टॉफी होता है जो खुद ना खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता है मैं ही मैं हूं जो हूं बाकी सब पानी का मैं ठीक है वो होता है वो होता है टॉफी नोस्ड व्यक्ति तो ये थोड़ा सा सुप्रीमेसी में डूबा हुआ रहता है एरोगेंट सा और ये थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में है ना हाँ स्ट्रॉम इन अ इन स्ट्रॉन्न अ कप मतलब होता है छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़ बना लेना ठीक है क्या बोलते हैं मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल राई का पहाड़ बनाना है ना उसी को बोला जाता है राई का पहाड़ बनाना छोटी सी बात है ना उसको बोला जाता है राई का पहाड़ बनाना हाँ छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा बात का बतंगड़ बनाना स्टोमिना का उसी को बोला जाता है और फाइटिंग ओवर ट्रिफल ये फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स ट्रिफल्स या ट्राइबियल मैटर्स ये भी लिखा आ जाता है ट्राइवियल मैटर्स ये इसका मीनिंग है ये जो मैं लिख रही हूँ मीनिंग है है ना ट्राइवियल मतलब तुच्छ तुच्छ बातों पर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं उन बातों पर लड़ना है ना तुच्छ बातों पर लड़ना एक और इडियम होता है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा फाइटिंग नहीं फाइटिंग नहीं क्या बोला जाता है स्क, आ, स्क्वेबल स्क्वेबल यानी लड़ना ओवर एसस एससि asses गधा, नहीं के पे लड़ना, कि गधा जो है ना उसका कम उसका पड़ रहा है कम पड़ा या पड़ा, इस बात पे लड़ना। मतलब आपके कोई काम ही नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है इसलिए आप इस बातों पे लड़ रहे हो इस बात पे लड़ रहे हो तो स्क्रेबल या रेंगल रेंगल लिखाता है स्क्रेबल नहीं लिखाता इडियम में रेंगल लिखाता है मैं रेंगल ही लिखूंगी ठीक है रेंगल ओवर एस एस शेडो रेंगल रेंगल सब लड़ने के लिए होता है गधे की उस पर लड़ना है ना पैच परछाई पे किधर पड़ी अच्छा यहीं पे बता दो जल्दी से दुनिया में सबसे ज्यादा गधे कहा पाए जाते हैं ये लड़ाई एक्चुअली वही होती है जहां सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं दुनिया में कहा पाए जाते हैं जरूर बताइएगा सेम मीनिंग वाले में बता रही हूँ जैसे इसका ये हो सकता है इसका ये भी हो सकता है इसका ये भी हो सकता है ये सब मैं एक साथ ही बता रही हूँ ठीक है तो इससे आपका पूरा रिविजन अभी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बस ए से जैट पढ़ते रहिए अपने आप आता जाएगा और ये सब मेरा लिखा हुआ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप सिर्फ ये काम करिए अगर ये करेंगे ना तो आपका बहुत हो जाएगा ठीक है चलिए चलिए अस्टम्ड शर्ट अभी स्टम्ब शर्ट है स्टम्ब शर्ट क्या होता है क्या होता है स्टब शर्ट वो व्यक्ति जो बहुत शोई है बहुत दिखावटी एकदम तो शानदार है ना तड़क भड़क वाले कपड़े पहनकर अपने आप को शोशा करना और बस मैं ये मैं वो दिखावटी पूरी तरीके से दिखाना दिखाने वाला व्यक्ति उसको बोला जाता है अफगान नहीं गलत आंसर है कच्छ के रन में भी नहीं अच्छा पारुल एट मंथ से जुड़े हुए आप वेरी गुड अच्छा कर पा रहे हो आप जुड़ने के बाद बहुत सारे बच्चे जो एक मंथ से दो तो मंथ से थ्री मंथ से जुड़ते बहुत अच्छा कर लेते हैं तो इट इज़ गुड कि हम आपकी हेल्प करवाते हैं और इसीलिए मैं ये वाले सेशंस लेकर आती हूँ ताकि आपको इससे वाकई और ये बहुत अच्छा सेशन है बहुत अच्छा है हाँ जितना मैं करा लू उतना काफ़ी है इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसे पूरा करा दूंगी क्या आएगा एक सैटरडे वाला जो सेशन है ना बेटा जरूर करिएगा टरडे को एक लॉन्ग सेशन आएगा इडियम्स का सारा का सारा इडियम्स मैं एक साथ करवा दूंगी वो जरूर करिएगा ठीक है चले। यूपी नहीं नहीं दुनिया पूछ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गधे कहा पाए जाते हैं कल बता दीजिएगा आज कोई जल्दी नहीं है या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है चले यहाँ पे आपका हंड्रेड आज पूरा हो रहा है ठीक है हंड्रेड पूरा हो रहा है कल जो है हम लोग करेंगे वन फिफ्टी 1 150 तक करेंगे 151 से ठीक है सॉरी 101 से 150 तक करेंगे और हो सकता है कि हम लोग वो भी शुरू कर दें अल्टरनेट डेज अल्टरनेटली 3 डेज गेम 3 डेज वन वर्ड ऐसा कुछ करेंगे ओके चलिए इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करें सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो

इलेवन से स्टार्ट हो रहा है तो दस तक अगर आप बैच लेते हो तो उस बैच में आप लोगों को मिल जाएगा इसकी डिटेल्स आपको कल बता दूंगी इंडिया स्टडीज ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ पर टीम का नंबर है यहाँ पर से आप बात कर सकते हैं बाकी मेरी बुक्स अमेजन पर इंडिया स्टडीज ऐप पर और आ, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है जब ये बुक प्रिंट हुई थी तो ये सेवेंटी थाउजेंड कॉपीज बिक चुकी थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी और अब आफ्टर प्रिंटिंग ये थर्टी थाउजेंड और गई है तो वन लाख पूरा ये स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका है जो एक एक बड़ा नंबर है और हमने इसको इस पूरे ईयर में अचीव किया मा, मे मार्च से सॉरी मे में ये बुक फर्स्ट प्रिंट हुई थी और अब यहाँ पर अभी अक्टूबर में प्रिंट हुई और हम वन लाख स्टूडेंट को टच कर चुके हैं जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इसको ले रहे हैं जितना मैं ये क्लास करवा रही हूँ ये सब आपको वाव बुक में भी एज अ टेज मिल जाएगा तो वाव बुक की एडियम्स ही आप कर रहे हो ये मान के चलिए ठीक है चलिए इसी के साथ क्लास को हम खत्म करते हैं अगर आपको ऐसा बनना है अगर आपको वोकेबलरी में वाकई ही अपने आप की छाप छोड़नी है तो जरूर से बुक जरूर पढ़िएगा ठीक है चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल तक लिए टेक केयर थैंक यू सो मच गाइज